Everybody sing that shit. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनु भारद्वाज जीडी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं नित्य नए वीडियो लेकर आता रहता हूं, आज भी एक वीडियो लेकर आया हूं जो रिलेटेड है प्रेसी होल SP60 एरीज स्प्रिंग पिस्टल से, जो एक ब्रेक बैरल पिस्टल है जिसकी वेलोसिटी 420 FPS है और जिसका कैलिबर है 0.177 कैलिबर। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट करी थी वो रिलेटेड थी VX100 स्पार्टन से और NX100 पोलैरियस से। ये दोनों एयर राइफल थी जिनकी वेलोसिटी इस पिस्टल से जस्ट डबल थी। कैलिबर सेम था लेकिन वेलोसिटी डबल थी। तो मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने यही मुझसे क्वेश्चन करा था, डिमांड करी थी कि भाई मुझको एक ऐसी वीडियो बना के दो जिसके अंदर एयर राइफल से कम प्राइस में पिस्टल अवेलेबल हो जाए और मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने कि आप देखें कि ये जो पिस्टल है इसका प्राइस उस एयर राइफल से जस्ट हाफ है। दोस्तों, ये जो एयर पिस्टल है आप यूज कर सकते हैं 10 मीटर टारगेट शूटिंग में। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये और प्रेसी होल कंपनी की है, मेड इन इंडिया है। जैसे आपको मैंने बताया था, मेड इन इंडिया पे मुझे ज्यादा विश्वास है, इसलिए मैंने ये प्रेसी होल की SP60 एरीज एयर पिस्टल मैंने खरीदा है और ये सिर्फ आप लोगों को रिव्यू दिखाने के लिए लिया था। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए और हम अब अनबॉक्सिंग करते हैं अपनी एयर पिस्टल की। चलिए चलते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने आने वाली है एरीज एयर पिस्टल। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बॉक्स के बाहर बता देता हूं कि कंपनी ने क्या क्या मेंशन कर रखा है। चलिए देखते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है आइडियल फॉर फन शूटिंग एंड प्लिंकिंग। जैसे मैंने बताया था, ये ज्यादातर ये राइफल हम शूटिंग, टारगेट शूटिंग, फन शूटिंग और प्लिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए लाइसेंस की कोई भी जरूरत नहीं होती। दोस्तों, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आर्म्स एक्ट 2016, कोई भी एयर पिस्टल या एयर राइफल जिसकी पावर 20 जूल या उससे ज्यादा है उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, या उसका कैलिबर 0.177 कैलिबर से अबव है तब उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायर्ड पड़ती है। जैसे कि हमने इस पिस्टल और एयर राइफल के अंदर देखा था कि इसकी जो पावर है वो लेस देन 16 जूल है और सिंपल इसका कैलिबर है वो है 0.177, तो दैट्स व्हाई इसके लिए कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब हम इस बॉक्स के पीछे देखते हैं। यहां पर लिखा है पावर सोर्स स्प्रिंग पिस्टन। दोस्तों, ये जो पिस्टल है स्प्रिंग पिस्टन मैकेनिज्म पर वर्क करती है। मैकेनिज्म इसका ब्रेक बैरल है, सिंगल शॉट है, कैलिबर इसका 4.5 mm/, यानी हम कह सकते हैं 0.177 कैलिबर की एयर पिस्टल है। वेलोसिटी इसकी 128 एमपीएस है यानी मीटर पर सेकंड और 420 एफपीएस यानी फीट पर सेकंड है इसका। टोटल लेंथ इसकी 325 mm है, बैरल लेंथ इसकी 160 mm के करीब है, वेट इसका 990 grams है और एक्शन सिंगल शॉट है, यानी यहां पर एक बार में आप सिंगल पैलेट आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर डायग्राम दे रखा है वो रिफिल बैरल का दे रखा है। ये यहां पर फ्रंट साइट है, इंटीग्रेटेड डॉवटेल के बारे में बता रखा है, एडजस्टेबल मेटल साइट्स के बारे में बता रखा है जिसके अंदर विंडेज और एलिवेशन हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्रॉस बोल्ट सेफ्टी के बारे में बता रखा है कि यहां पर मैनुअल सेफ्टी दी गई है, इंप्रूव मल्टी लीवर टू स्टेज ट्रिगर भी यहां पर बता रखा है, ग्रिप के बारे में बता रखा है, इसकी बट के बारे में बता रखा है यानी। और दोस्तों, यहां पर रिकमेंडेड एक्सेसरीज के बारे में बता रखा है कि आप प्रेसी होल कंपनी पर जाकर यानी उसकी साइट पर जाकर एयर पिस्टल पेपर टारगेट्स भी खरीद सकते हैं और प्रेसी पिल 0.177 पैलेट भी आप परचेज कर सकते हैं। यहां पर तीन तरीके के पैलेट यहां पर मिलते हैं, जिसमें एक सिंपल पैलेट आता है, एक राउंड पैलेट आता है और एक पॉइंटेड पैलेट आता है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एक्यूरेसी चाहते हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए बॉक्स के अंदर क्या दे रखा है। यहां है कोकिंग एड यानी इजियर कोकिंग के लिए मेथड यहां पर अप्लाई कर रखा है। यहां पर देखिएगा, यहां बैरल के बारे में बता रखा है कि लो बोर एक्सिस विद एंगल ग्रिप फॉर नेचुरल पॉइंटिंग एंड कंट्रोल फायरिंग बिहेवियर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, इसकी बैरल लेंथ इसकी 160 mm है, टोटल लेंथ इसकी आती है 325 mm।
ये देखिएगा, ये कुछ चीजें यहां पर बॉक्स के ऊपर मेंशन कर रखी है कंपनी ने। दोस्तों मैं दोबारा बता देता हूं, इस वाले मॉडल का नाम है स्प्रिंग पिस्टल ब्रेक बैरल SP60 एरीज। तो चलिए चलते हैं हम पिस्टल की साइड। ये देखिएगा यहां पर ये ऑनर्स मैनुअल है जिसके अंदर सेम बता रखा जो डब्बे के ऊपर मेंशन था, जिसमें पावर सोर्स के बारे में, स्प्रिंग पिस्टन मैकेनिज्म, ब्रेक बैरल कैलिबर 0.177 कैलिबर, वेलोसिटी 120 एमपीएस / 420 एफपीएस, वेट इसका 990 ग्राम्स है, टोटल लेंथ 325 mm है, बैरल लेंथ इसकी 160 mm है, एक्शन सिंगल शॉट है। तो ये ऑनर्स मैनुअल है, इसके अंदर मेंटेनेंस के बारे में बता रखा है कि आप किस तरीके से अपनी जो पिस्टल है उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो दोस्तों अब पिस्टल की साइड चलते हैं हम। ये बिल है, ये देखिएगा दोस्तों, वाओ व्हाट अ ब्यूटी, ये देख सकते हैं आप प्रेसियोल SP60 एरीज जो एयर पिस्टल है, दिखने में बहुत ही सुंदर है। वेट इसका 990 ग्राम्स के करीब है, यानी लेस देन 1 केजी के करीब है ये। दोस्तों आप जो इस टाइम देख पा रहे हैं ये फ्रंट साइट है, बहुत ही मजबूत फ्रंट साइट दे रखी है यहां पर। ये बैरल है इसका, ये रियर साइट है जिसके अंदर एलिवेशन और विंडेज एडजस्टमेंट दिया गया है। ये देखिए, ये देखिएगा प्रेसी होल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड मेड इन इंडिया, यहां पर मार्किंग दी गई है, लेजर प्रिंट करा गया है। ये देखिएगा यहां पर भी प्रेसी होल स्पोर्ट्स SP60 एरीज की मार्किंग दी गई है। ये देखिएगा इसके बट पर भी यहां पर मार्किंग है प्रेसी होल स्पोर्ट्स की। दोस्तों दिखने में बहुत ही सुंदर ये एयर पिस्टल है, आप इसे खरीद सकते हैं प्रेसी होल की साइट पर जाकर या टेन कैप पर जाकर। और देखते हैं इसके साथ साथ क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों इसके साथ कॉकिंग लीवर दिया गया है इस गन को कॉक करने के लिए। ये देखिए दोस्तों प्रेसी पेल मैच सैंपल कैलिबर 4.5 mm / 0.177 कैलिबर फ्लैट, इसके साथ फ्री दिए गए हैं पैलेट्स। दोस्तों ये जो पिस्टल है ये बहुत ही ज्यादा वेल डिजाइन है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बैरल इसकी बेस्ट क्वालिटी मटेरियल से बनाई गई है, साथ के साथ जो इसकी बट बनाई गई है वो भी बहुत ही अच्छी डिजाइन करी गई है। यहां पर आप देख रहे होंगे दानेदार स्ट्रिप लगी हुई है जो ग्रिप करने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होती है। तो दोस्तों ये जो SP60 है मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी एयर पिस्टल है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें एयर राइफल से तो इसकी जो पावर है वो जस्ट हाफ है एयर राइफल से। यहां पर बताया गया है कि ये जो पिस्टल है इसका कैलिबर 0.177 है, यानी 4.5 mm का कैलिबर है। सीरियल नंबर को यहां पर दिखा रखा है, ये देखिएगा। दोस्तों जो इसकी पावर के बारे में बात करें तो इसकी पावर एयर राइफल से जस्ट हाफ है, और जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इसकी जो वेलोसिटी है वो 120 मीटर पर सेकेंड है, या हम कह सकते हैं 420 फीट पर सेकेंड। इसके बैरल के बारे में बात करें तो इसका जो बैरल है वो हमारा 160 mm का है, इसकी टोटल लेंथ 325 mm के करीब है। तो दोस्तों इस टाइम आप साफ देख पा रहे हैं SP60 में ये फ्रंट साइट है, ये इसकी बैरल है, ये इसकी रियर साइट है जिसके अंदर एलिवेशन और विंडेज एडजस्टमेंट दिए गए हैं, ये इसकी बट है, यहां जो देख रहे हैं इतनी सुंदर बट ब्लैक इन कलर है, यहां टैगिंग दे रखा है प्रेसी होल का, यहां पर टैगिंग दे रखा है, लेजर प्रिंट करा गया है, ये टू स्टेज ट्रिगर है, ये मैनुअल सेफ्टी लॉक है। अब यहां देखिएगा अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये इस टाइम लॉक लग गया है यहां पर, ये देखिएगा ट्रिगर यहां पर आप दबा नहीं सकते, और अगर मैंने यहां से प्रेस करा तो इस टाइम लॉक खुल चुका है, ये देखिए मैं यहां से फायर कर सकता हूं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था ये ब्रेक बैरल गन है, तो ब्रेक बैरल गन का मतलब यह है कि आप इसके बैरल को खोल सकते हैं। तो यहां पर जो कॉकिंग लीवर दिया गया है वो इस तरीके से यहां पर इंसर्ट होता है, ये देखिएगा ये इंसर्ट कर दिया जिससे इसकी बैरल की लंबाई बढ़ जाती है और हम इजिली कॉक कर सकते हैं। देखिएगा ये देखिएगा ये इजिली हमने इसे कॉक कर दिया, वापस मैं इसे बंद कर सकता हूं, ये देखिएगा ये यहां पर बंद हो गया, यानी ये जो कॉकिंग लीवर है ये हेल्प करता है बैरल को बंद करने में और
खोलने में। और देखिएगा इसकी साउंड भी बहुत जबरदस्त है, मैं आपको सुनवा देता हूं, बहुत जबरदस्त साउंड है, पावर इसकी बहुत अच्छी है। अगर हम इसकी रेंज के बारे में बात करें तो रेंज तो इसकी ज्यादा नहीं है क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है पैलेट की, पावर कम है, जूल कम है, तो ये अप्रोक्सीमेट जो इसकी रेंज होगी ये 40 से 50 मीटर के करीब बैठती है। मैं रिकमेंड करूंगा उन लोगों के लिए जो टारगेट शूटिंग करना चाहते हैं 10 मीटर की। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 10 मीटर टारगेट शूटिंग आप राइफल से भी कर सकते हैं, एयर राइफल से, जो से पहले मैंने आपको रिव्यू दिया था जिसमें NX-100 पोलारियस थी और VX-100 स्पार्टन था, और आप इसका भी यूज कर सकते हैं 10 मीटर पिस्टल टारगेट शूटिंग में। तो दोस्तों ये आप पर निर्भर करता है, तो आप किस तरीके की राइफल चाहते हैं या पिस्टल चाहते हैं। ये तो मैंने आपको बिगिनर्स पिस्टल के बारे में बताया था, ऐसी कई सारी कई अलग अलग ब्रांड की एयर पिस्टल आती हैं जिनकी कॉस्ट फ्यू थाउजेंड से लेकर मैनी थाउजेंड तक जाती है। तो दोस्तों मैं दोबारा बता देता हूं, उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 4600 है और आप ये pricyhole.com पर जाकर भी परचेज कर सकते हैं या tencare.com पर भी जाकर परचेज कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कहां से लेते हैं। दूसरी क्वायरीज मेरे पास बहुत सारी आई थी, कई सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि एक्चुअल में ये हम कहां से ले सकते हैं ये राइफल्स और एयर पिस्टल्स। तो मैं आपको बता दूं ये ओपन मार्केट में भी अवेलेबल है, आपको आम शॉप पर जाकर इसको चेक करना पड़ेगा कि वहां पर ये अवेलेबल है या नहीं है, और अपने हिसाब से आप ब्रांड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यहां पर मेन मोटिव यही था कि मैं आपको एयर राइफल और एयर पिस्टल से इंट्रोड्यूस करवा सकूं। जिन लोगों ने आज तक एयर राइफल और एयर पिस्टल यूज नहीं करी है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो दोस्तों ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके की एयर राइफल या एयर पिस्टल सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं दोबारा शॉर्ट में बता देता हूं, इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। इस बॉक्स के अंदर आपको SP60 एरीज मॉडल मिलेगा, प्रेसी पिल पैलेट्स सैंपल मिलेगा, कॉकिंग लीवर मिलेगा, यूजर मैनुअल मिलेगा इसके अंदर। चलिए दोस्तों इसका हम फील्ड टेस्ट भी करते हैं और देखते हैं कि ये राइफल से ज्यादा मार करती है या नहीं करती है और इसकी पावर और वेलोसिटी कितनी है। दोस्तों अब हम यहाँ पर टारगेट शूटिंग के लिए आए हैं, और टारगेट शूटिंग करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसकी रेंज कहाँ तक है। इस टाइम आप जो सामने यहाँ पर खाली जो वाटर्स देख रहे हैं, इसकी दूरी अप्रोक्सीमेट यहाँ से 30 मीटर से अबव है। तो अब हम यहाँ पर शूटिंग करके देखेंगे सामने वॉल पर कि क्या वहाँ पर निशाना लगता है नहीं लगता। तो ये देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये तीन जो ब्लैंक स्पॉट है, यहाँ स्पॉट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं शूट करूँगा। ये अप्रॉक्सीमेट 30 मीटर प्लस पे है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉक करना बता देता हूँ कि किस तरीके से कॉक करा जाता है। दोस्तों कॉक करने से पहले आपको ये देखना होता है कि यहाँ पर जो सेफ्टी लेवर है ये ऑन है या ऑफ है। इस टाइम ये सेफ्टी लेवर ऑफ है, तो हमें इस साइड से इस सेफ्टी लेवर को यहाँ प्रेस करना है। तो यहाँ पर जो है वो इस टाइम सेफ्टी लेवर ऑन हो चुका है, ये देखिएगा। ये हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो प्रेस नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम इसे कॉक करते हैं। कॉक करने के लिए मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर कॉकिंग हैंडल दे रखा है, इसे लेंगे और यहाँ पर हम इसे कॉक कर देंगे। ये देखिएगा इस टाइम ये कॉक हो चुका है। अब यहाँ पर हमें पैलेट यूज़ करना है। देखिएगा ये इसका पैलेट है 0.177 कैलिबर का, मैं इसमें यहाँ पर डाल रहा हूँ और इसको बंद कर रहा हूँ। ये बंद हो चुकी है इस टाइम, और मैंने जैसे आपको दिखाया था कि मुझे उन्हीं टारगेट पे शूट करना है जो सामने ब्लैंक स्पॉट से दिखाई दे रहे थे। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, ये देखिएगा ये 30 मीटर प्लस पर है,
शूट करने से पहले हम इसका सेफ्टी लीवर ऑफ कर देते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, सीधा वहीं जाकर टारगेट पर पेनिट्रेट हुआ है। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं करके। ये देखिएगा कितना अच्छा यहाँ पर शूटिंग होती है, यानी हम कह सकते हैं कि SP-60 एरीज जो है वो अप्रॉक्सीमेट 40 मीटर तक मार कर सकती है और अपने टारगेट को भेज सकती है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी कोशिश निरंतर यही रहती है कि मैं आपको तरह तरह की वीडियो ला सकूं जिससे आपको गैजेट सिलेक्शन में सहायता मिल सके। दोस्तों ये जो मेरा चैनल है ये प्योर हिंदी चैनल है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी में समझाना सबसे इजी लगता है। तो दोस्तों इंतजार ना करें, मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा जिसे आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करके मेरे आने वाली वीडियो का आप लाभ उठा सकते हैं। मैं दोबारा हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। Everybody sing that shit.